हिंदू धर्म को इस संसार का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म माना जाता है, और सिर्फ माना ही नहीं जाता बल्कि इसके प्राचीनतम होने के अनेक प्रमाण मौजूद हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। वेदों पर आधारित होने के कारण इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। संसार के 20 बड़े देशों में हिंदू धर्म की जड़ें फैली हुई हैं। हिंदू धर्म के इतिहास पर दृष्टि डालें तो सर्वसम्मति से और विभिन्न साक्ष्यों और प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म का आरंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली पशुपतिनाथ की मूर्ति, जर्मनी में 1939 में मिली नरसिंह की मूर्ति इस बात के ठोस प्रमाण है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू धर्म का जन्म वेदों से हुआ है, इसलिए इसे वैदिक धर्म कहते हैं। वेदों की संरचना के साथ ही मंत्रों का जन्म हुआ और हिंदू धर्म के दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष का विकास हुआ। इसी समय योग, सांख्यिकी, वेदांत और उसके बाद पुराणों की रचना हुई, जिनमें धर्म, ज्ञान विज्ञान और इतिहास का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म विज्ञान पर आधारित कहा जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रचार प्रसार न होने के कारण हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को धर्म से जोड़कर और परंपराओं और मान्यताओं में बांधकर सिखाने का प्रयास किया गया। कहते हैं जो वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अपना विकास करता रहता है वही शाश्वत कहलाता है। इसी कारण हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म की नींव भी वैज्ञानिकता पर आधारित है। इसका प्रमाण सबसे पहले मिलता है प्राचीन काल के कार्य अनुसार किए गए वर्ण विभाजन से, जहां व्यक्ति के कार्य के अनुसार उसके वर्ण को विभाजित किया गया था। सभी वर्णों में आपसी प्रेम और समन्वय था। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने अनेक धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं निर्धारित की, लेकिन जब उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है तो वे खरी उतरती हैं। इससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदू धर्म की कान छिदवाने की परंपरा के कुछ वैज्ञानिक पहलू बताने वाला हूँ, जिसे देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और यदि आप ऐसी ही हिंदू धर्म और वैज्ञानिकता से जुड़ी वीडियोस और अधिक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक, और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कान छिदवाने की परंपरा इंडिया में तो काफी पुरानी है। इसके पीछे कई सारी मान्यताएं और रीति रिवाज भी हैं। लेकिन अब इंडिया में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में लोग कान छिदवा रहे हैं। महिलाएं तो कान छिदवाती ही थी, लेकिन अब फैशन के चक्कर में पुरुष भी इसे अपनाने लगे हैं। कान छिदवाने के पीछे हर किसी के अपने विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक्यूपंचर का विशेष बिंदु होता है, जिसका इस्तेमाल उपचार के महत्व से किया जाता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लोग सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से कानों को छिदवाते हैं, लेकिन यह सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी है। दोस्तों, कान छिदवाने का पहला साइंटिफिक रीजन है मानसिक क्षमता में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से होता है, और ब्रेन में ब्लड का सही तरह से सर्कुलेशन होने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। मित्रों, इसीलिए पहले के समय में गुरुकुल में जाने वाले हर विद्यार्थी के कानों को छेदना पड़ता था, जिससे उसकी दिमागी क्षमता बढ़ती थी और हर विद्यार्थी बेहतर ज्ञान प्राप्ति करता था। दूसरा साइंटिफिक रीजन है प्रजनन क्षमता। दोस्तों, कान में छेद करवाना महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि कान के बीच की सबसे खास जगह है जिसे प्रजनन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। न केवल पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है बल्कि महिलाओं की अनियमित पीरियड्स की समस्या को भी दूर करता है। दोस्तों, दूसरा साइंटिफिक रीजन पुरुषों के लिए है। ये भी माना जाता है कि कान छिदवाने से व्यक्ति को लकवे की शिकायत कभी नहीं होती, साथ ही ये पुरुषों के अंडकोश को और वीर को संचित करने में लाभदायक होता है। कान छिदवाने से कई प्रकार के इन्फेक्शन, हाइड्रोसील
और पुरुषों में ज्यादातर देखी जाने वाली हार्निया की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति के चेहरे पर चमक और कांति आती है और व्यक्ति के रूप में निखार आता है। चौथा साइंटिफिक रीजन आंखों के लिए होता है। कान में छेद करवाना आपकी दृष्टि को सुधारने में मदद करता है। एक्यूपंक्चर के अनुसार कान के बीच के केंद्रीय बिंदु का संबंध आंखों की रोशनी से होता है। एक्यूपंक्चर में इसी जोड़ पर दबाव डाला जाता है जिससे आंखों की रोशनी सही रहती है। पांचवा रीजन है कानों को स्वस्थ रखना। कान के छेद वाले हिस्से पर दो बहुत जरूरी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मास्टर सेंसोरियल और दूसरा मास्टर सेब्रल। ये पॉइंट सुनने की क्षमता को सही बनाए रखते हैं। एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के अनुसार टिटनिस के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी कान छिदवाना बहुत अच्छा रहता है। और छठा और आखिरी रीजन है पाचन तंत्र को सही रखना। दोस्तों, कान छिदवाने का सबसे बड़ा कारण पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पर उत्तेजना से पाचन प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। विशेष रूप से यह पॉइंट हंगर पॉइंट्स का केंद्र है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।